महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मैक कंपनी के पास ठाणे महानगर पालिका के शौचालय की सीढ़ियों से नाले में एक व्यक्ति फिसलकर गिर गया, जिसमें उस व्यक्ति का एक पैर की हड्डी टूट गई है और लोहे की सरिये भी पैर में लग गए हैं। इस व्यक्ति का नाम मुन्ना भाई बताया जा रहा है और इसका परिवार भिमंडी में रहता है। मुन्ना भाई मुम्बरा रेलवे स्टेशन से माझीवाड़ा तक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, मगर आज शौचालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने की वजह से पैर की हड्डी टूट गई, जिन्हें कुछ लोगों ने उठाकर कलवा शिवाजी अस्पताल ले गए, वहां उनका इलाज चल रहा है। पहले हम आपको इस शौचालय की सीढ़ियों की तस्वीर दिखाते हैं कि सीढ़ियों से उतरने की जगह ही नहीं है। नाले के ऊपर का स्लैब टूट चुका है और पूरा नाला खुला हुआ है। बताया जा रहा है कि मुन्ना भाई शौचालय से निकल रहे थे, सीढ़ी पर उनका पैर फिसल गया और सीढ़ी से सीधा इस खुले हुए नाले में गिर गए, जिसमें पैर की हड्डी टूट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार यहां हादसा हो चुका है, मगर न ही शौचालय चलाने वाले ने कुछ इस पर ध्यान दिया और न ही नगर सेवकों ने इसे ठीक कराया। महीनों से इस शौचालय के सामने नाला खुला हुआ है, लोग इसमें गिर रहे हैं, मगर बेपरवाह शासन प्रशासन इसे ठीक नहीं करवा रहा है। ऐसे में आज एक व्यक्ति गिरा और उसके पैर की हड्डी टूट गई। शौचालय चलाने वाला घटना के बाद से शौचालय बंद कर भाग गया है, मगर नगर सेवक और ठाणे महानगर पालिका इतने खतरनाक खुले हुए नाले को बंद क्यों नहीं करती है? क्या ये माना जाए कि देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है? एक बार आपको शौचालय की सीढ़ियों की तस्वीरें दिखाते हैं, देखें सीढ़ियों से उतरने के बाद इंसान कहां उतरे। नाला खुला हुआ है और इसी नाले में सीढ़ियों से उतरते वक्त कई लोग फिसलकर गिर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की है, मगर शिकायत के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, और इसी लापरवाही की वजह से आज एक व्यक्ति इस नाले में गिरा और उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। तस्वीरों में देखें किस तरह से लोहे की सरिया निकली हुई है, ये इतना भयानक है, और यही सरिया उस व्यक्ति के पैर में भी लगा है। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मौजूद एक चश्मदीद अकरम ने क्या बताया है। मेरा नाम अकरम शेख है, मैं यहाँ का कॉन्ट्रेक्टर हूँ एमएससीबी का। मैं यही बैठा हुआ था, ये बाथरूम है म्यूनसिपालिटी का, इसकी लादी एकदम चिकनी है, ठीक है। अक्सर यहाँ से ना, ये नाला खुला हुआ है पूरा, अक्सर यहाँ से औरतें गिरती हैं, आदमी गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। आज एक आदमी गिरा, उसका पैर टूट गया यहाँ पे, और तीन चार दिन पहले एक लेडीज़ भी गिरी थी। ये सब बाथरूम वाले को तीन से चार बार बोले यहाँ जाली लगा या कुछ तो रख, या तो यहाँ पर वो या प्लाईवुड रख, कुछ भी रख, वो रखता ही नहीं है। अभी वो आदमी बेचारा रिक्शे वाला था, उसके पूरी पैर की हड्डी टूट गई। हम लोग खुद यहाँ पर उसको उठाए, उसको रिक्शे में डाले, वो बुजुर्ग इंसान था। फिर अभी उसको ले जाके कलवा में अभी एडमिट किए यहाँ पर, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा नाला खुला हुआ है, और उन लोगों को जितनी बार भी बोलो, उन लोगों के कान में कोई बात समझ में नहीं आती है। जब यह हादसा हुआ तो आप यहीं पर? हाँ, मैं यहीं पे बाजू में ही बैठा हुआ था। हम लोग खुद भाग के आए, उसको पूरा कीचड़ कीचड़ था, उसको नहलाए भी बेचारे को, नहला के फिर उसको उठा के रिक्शे में डाल के फिर उसको अकलवा भेजा हम लोग। कितने बजे हुआ यार ये? अभी तकरीबन दो घंटा पहले हुआ है, समथिंग मैं आपको बताता हूँ। अभी चार बज रहा है ना, तकरीबन दो सवा दो बजे के टाइम पे ये हुआ यहाँ पे। अब आप इसे शासन प्रशासन की लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या है? सार्वजनिक शौचालय है और शौचालय में हजारों लोग आते जाते हैं और नाला खुला हुआ है, मगर इसे ढकने का काम आखिर कौन करेगा? क्या शासन प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? और अगर इस तरह इसमें घटना हुई और किसी की जान चली गई तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।